बॉलीवुड का वो गोल मटोल सा मासूमियत भरा चेहरा जिसके सिल्वर स्क्रीन पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान छा जाती थी। जी हाँ, कहानी शानदार एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देने वाले अदाकार देवेन वर्मा की, जिनकी वो असल जिंदगी में जिंदा दिली शख्सियत ही तो थी, जिसे उन्होंने अदाकारी के सांचे में ढालकर अपने जिंदा दिली हास्य भूमिकाओं में जान डाल दी, मगर कॉमेडी के लिए न तो कभी अपने सिद्धांतों को दांव पर लगाया और न ही कभी फुहड़ता का सहारा लिया। मूल नाम है देवेंदु वर्मा, जन्म 23 अक्टूबर 1937 को गुजरात के कच्छ में। राजस्थानी पिता बलदेव सिंह वर्मा पहले चांदी के व्यवसायी थे, जो बाद में फिल्म वितरक भी हो गए। माँ सरला देवी गुजराती थी। चार बहनें थीं उनकी। पुणे विश्वविद्यालय के नौरोजी वाडिया कॉलेज फॉर आर्ट्स एंड साइंस में राजनीति और समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान अपना नाम बदलकर देवेन वर्मा रख लिया। माता पिता चाहते थे वे कानून की पढ़ाई करें, दाखिला भी लिया मगर मन नहीं लगा और पढ़ाई छोड़ दी। अभिनय का चस्का उन्हें शुरू से ही लग चुका था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान इससे शोज में हिस्सा लेने लगे थे। मिमिक्री बड़ी शानदार करते थे वे। एक बार नॉर्थ इंडिया पंजाबी एसोसिएशन के शो में बी आर चोपड़ा की उन पर नज़र पड़ी और उनके अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में अभिनय का मौका दिया। महामहोपाध्याय श्री 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 दिलीप कुमार जी, ये तुच्छ हाथ जोड़ के आपकी सेवा में निवेदन करता है कि जिस घर में आप जैसा ज्ञानी विद्वानी महापुरुष मौजूद है, भला औरों की क्या आवश्यकता। मगर इससे कोई खास पहचान न मिली। उन पर निर्माताओं की नजरें इनायत हुई 1963 की फिल्म गुमराह या 1964 की कव्वाली की रात जैसी फिल्मों से। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। 1966 में फिल्म देवर में जहाँ नकारात्मक भूमिका में नजर आए। इतना बेवकूफ नहीं जो अपनी बर्बादी का परवाना अपने दुश्मन के हाथ में रहने दे। इधर लाओ ये चिट्ठी, वरना मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। तो मोहब्बत जिंदगी है मैं हास्य भूमिका निभाई, ये उनके सिने करियर का निर्णायक वक्त था और खलनायकी एवं कॉमेडी में किसी एक को चुनना था। देवेन वर्मा ने कॉमेडी को तरजीह दी। इसी साल उनकी भूमिका वाली फिल्म अनुपमा प्रदर्शित हुई। लिखता रहा, पढ़ता रहा। कहते हैं दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार ने एक दिन उन्हें खाने पर बुलाया। उसी दौरान उनकी बेटी रूपा गांगुली से देवेन वर्मा की मुलाकात हो गई। ये मुलाकात प्यार में बदला और 1967 में दोनों ने शादी करी। 1967 की फिल्म मिलन में उनकी भूमिका सह अभिनेता की थी। ये फूल बहुत कीमती है, इसमें गोपी का प्यार बहक रहा है। 70 के दशक में भी उन्होंने सिने प्रेमियों को गुदगुदाया। फिल्म चोरी मेरा काम में परवीन भाई पब्लिशर के किरदार में पर्दे पर आए और उन्हें 1975 का बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसी किरदार को कुछ साल बाद आगे बढ़ाया। इसके सीक्वल 1978 की फिल्म चोर के घर चोरी में और एक बार फिर से 1979 का बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 6-7-70,000 इनकम टैक्स रिफंड, वाह 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 देवी जी, जब से तू आई है घर की तो दशा ही पलट गई है। इसके अतिरिक्त 1972 में मालिक, उन्नीस सौ 1976 में जिंदगी, उन्नीस सौ 1977 में चालू मेरा नाम, मान या न मान ये चीज है महान, आदमी सड़क का, दूसरा आदमी, अखियन उड़ाई के निंदिया, घड़ी रे निहारे गोरी, आएंगे सवरिया अंगना। जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। 1978 की फिल्म बेशर्म में उनकी तीसरी भूमिका थी। वे इसके निर्माता निर्देशक भी थे। अरे बेटा, बाहर का खाना तो जहर खाने के बराबर होता है,
बाहर के खाने से शुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। अरे बाबूजी, बुद्धि और पेट का क्या कनेक्शन? अरे बॉनेट अपनी जगह, टिक्की अपनी जगह, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे बाहर का खाना खाया ही नहीं। अपनी माँ से ठीक ही तो कहत रहे तुहार बाबूजी, शादी से पहले अपनी माँ के हाथ का खाते रहे और शादी के बाद तेरी माँ का हाथ का खाते रहे, और वो भी असली घी का। इसी साल उनकी खट्टी मीठी मम्मी, ओ मम्मी, तू कब सास बनेगी? अनपढ़ राम कड़ा चांद के टुकड़ा फूलन जैसे वो देख के हमारा हुसन जवानी मन हो जावा, कहो ये कैसी कही। जैसी फिल्में भी प्रदर्शित हुई, 1979 में फिल्म गोलमाल में लोगों को हंसाया। इंटरव्यू के लिए? हाँ। मिनिस्टरशिप के लिए अप्लाई कर दिया क्या? देख, ये मिनिस्टरशिप के चक्कर में मत पड़, कोई परमानेंट नौकरी ढूंढ ले। 80 के दशक में एक बार फिर से 1982 में गुलजार की फिल्म अंगूर में बहादुर की दोहरी भूमिका निभाई और उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। यानी कि मच्छरदानी बांधिए बिस्तर पे और आप लेट जाओ चटाई पे ताकि मच्छरों को लगे कि मच्छरदानी में है, तो मच्छर वहाँ चले जाए। इसी तरह 1983 में नास्तिक। ताली मार दीजिए ससुर जी, इसका ये मतलब है कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? सागर मंथन के बाद अमृत नहीं बटा था? किसी से ना कहना इतने मारे नागन कौन घूमे की अभी तुझको नहीं पता, शहर उतारा बड़े बड़ों का मैंने तू है क्या? बंधन कच्चे धागों का और रंग बिरंगी। अखरोट और औरत में कोई फर्क नहीं होता। नहीं समझा ना? मैं समझाता हूँ। देख, ये अखरोट है ना, बाहर से सख्त अंदर से नरम, औरत भी बिल्कुल वैसी होती है अंदर से नरम। हर औरत के दिल में एक माँ बहन छुपी हुई है, किसी का दुख दर्द देखकर मर्द तो मुंह मोड़ के चला जाता है लेकिन औरत हमदर्दी जताए बिना नहीं रह सकती। 1985 में प्यारी बहन पहचाना, इसलिए तो कह रहा हूँ उस दिन मुझे तेल लगा के तुम दोनों बहनें चली गई, मेरा उल्लू बना दिया, इसलिए आज नगद कल उधार। 1979 में प्रेम प्रतिज्ञा। आ गई ना आप चक्कर में? अरे मैं तो जरा होशियारी से काम ले रहा था ताकि किसी और का फोन हो तो रॉन्ग नंबर समझ के गाली देकर काट दे। उनकी खास फिल्मों में शुमार है। ये सिलसिला 90 के दशक में भी जारी रहा। 1992 में चमत्कार। दुराचारी, तू जानता है मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। 1994 में अंदाज अपना अपना। उदास ना हो तो क्या हो, तू जब जब खुश हुआ है तब तब मैं बर्बाद हुआ। याद है मैंने पहली बार तुमको एक साइकिल लेके दी थी? साइकिल? तू बहुत खुश हुआ, तूने साइकिल चढ़ा दी मेरे पिताजी की टांग पे। लंगड़े बाबू के नाम से पहचाने। जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। इतना ही नहीं, हिंदी के अलावे मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने रोल किए। देवेन वर्मा फिल्म दाना पानी। पजामे ने कहा धोती से बने हम दोनों एक धागे से। पजामे ने कहा धोती से बने हम दोनों एक धागे से, फर्क अगर है हम में तो सिर्फ इतना, तू खुलती पीछे से मैं आगे से। और नादान। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला। के जहां निर्माता निर्देशक रहे, चटपटी और यकीन के निर्माता थे। फिल्म बड़ा कबूतर का उन्होंने निर्देशन किया। साथ ही 1992 में मामा जी और जवान संभाल के नामक दूरदर्शन धारावाहिकों में भी भूमिका निभाई। देवेन वर्मा ने कोई 5 दशक तक लगभग 149 फिल्मों के द्वारा बदलते दौर के साथ उम्दा प्रदर्शन करते हुए हास्य कला को बरकरार रखा और अपनी मासूमियत भरी कॉमेडी से लोगों को तनाव मुक्त किया, लेकिन काम किया तो अपनी शर्तों पर और जब उसूलों पर आँच आई फिल्मों से संन्यास ले लिया। मगर डायबिटीज के मरीज होते हुए भी अपने मिठाई प्रेम को न छोड़ सके जो उनके लिए जानलेवा बना। 2 दिसंबर 2014 को अंततः सबको हंसाने वाला ये फनकार हमेशा के लिए सो गया। सबको रुला।